का दोस्त आज फिर उपस्थित हो रही हूँ बिना काटी का दो हाथ से। मैं ये मफलर बनाने वाली हूँ, जाली वाले मफलर। ये दिखनी जितनी सुंदर है बनानी में उतनी आसानी। आइए देखते हैं फंदक इस तरह से डालना है। देखिए इसके पिछली तरफ से धागे निकालना है, इस तरह से गांठ लगाना है। देखिए दोस्त ये हाथ में लगाकर फंदे बनाना होता है। दोस्त देखिए ये आसानी से फूक जाता है, ये ठीक तरह से आपका ये गांठ लगाना चाहिए। देखिए दोस्त ये मखुलर बनाने के लिए फंदे डालने इस तरह से डालने होते। जिस तरह से हम काटी में फंदे डाल रहे थे उस तरह से हम इसी हाथ में फंदा डालकर आपको दिखाएंगे। हमारा इधर तीन फंदे हो चुके हैं दोस्त। फिर देखिए सेम उसी तरीके से फंदा बनाना है जो हम काटी से बना रहे थे, उस तरीके से बनाना है दोस्त। इस तरह से हम हाथ में 10 फंदे डालेंगे और फिर आपको हाथ से किस तरह से नोट करते ये वो दिखाएंगे। देखिए इस तरह से फंदा डाल के जाना है। ये हमारा 10 फंदा बन चुकी है दोस्त। देखिए दोस्त ये वाले ऊन से नहीं बुन लेना है और ये वाले से बुन लेना है। देखिए इस तरह से बाहर करेंगे और फंदे छोड़ेंगे और दूसरी हाथ में लेंगे फंदा। देखिए फिर इस तरह से लेना है और फिर दूसरी हाथ में लेना है फंदा। फिर देखिए इस तरह से नीट करते हुए दूसरी हाथ में फंदा डालना है। इस तरह से बनाते जाना है, सभी फंदे इस तरह से बनाते जाना है। इतनी बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। ध्यान देकर देखिए दोस्त, वो बुनाई आपका टाइट होना चाहिए। जितना आपका बुनाई टाइट होता है उतना आपका ये स्कर्फ भी सुंदर बनेगा, अर्थात मफलर भी सुंदर बनेगा। देखिए हम एक बार नीट कर चुके हैं, फिर देखिए दूसरे बार फिर नीट करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से लेना है, फिर वही बात रिपीट करने लाए। इस तरह से फंदे छोड़ लेना है, फिर धागे लेना है, फिर इस तरह से फंदे बनाकर दूसरी हाथ में लेना है। यही बात बार बार रिपीट करनी है। इसी बात को जल्दी बन जाएगा दोस्त और बनाने में भी बहुत ही आसान है। ये आसानी से आपका ये मखुलर भी फूक जाएगा, अर्थात बुनाई भी आसानी से बाहर कर सकते हैं आप। बाद में आपको ये ऊल का ज़रूरत पड़े तो देखिए इस तरह से बनता चला आ रहा है दोस्त। इस बात बार बार रिपीट करते हुए जाना है। देखिए दोस्त अंतिम में ये फंदे अर्थात घर किस तरह से मार लेना है ये मैं दिखाने वाली हूँ। अंतिम में ध्यान देकर देखिए दोस्त। अब देखिए दोस्त मैं इधर घर मारने का तरीका दिखा रही हूँ। इस तरह से फिर बुन लेना है, फिर ये फंदे से मार लेना है। जो हम काटी में कर रहे थे उस ये हाथ से भी वही बार बात रिपीट कर लेना है आपको। इस तरह से लेना है फंदे और फिर ये धागे से बुन लेना है, फिर ये वाले फंदे से इस तरह से मार लेना है। देखिए
वही बार रिपीट करने लगा है, हम इस तरह से बोल लेना है, फिर ये वाले फंदे से इस तरह से मार लेना है, फिर देखिए ये फंदे फिर इस लीड कर लेना है, फिर इस तरह से मार लेना है फंदे, यही बात बार बार रिपीट करने लगा है आपको। फिर देखिए इस तरह से बनाना है, फिर ये वाले फंदे से इस तरह से मार लेना है, फिर देखिए ये लास्ट का फंदा हमारा ये बुन लेना है, फिर ये वाले फंदे से इस तरह से मार लेना है। देखिए इधर हम गांठ लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये इस तरह का नज़र आता है बनने के बाद। फिर देखिए इस वाले धागे से हम इसको जोड़ाई करेंगे, इस तरह से जोड़ाई करते हुए जाना है इसको, ये दोनों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट का इस तरह से जोड़ा करना है। और फिर आपको दिखाएंगे ये किस तरह से पहनना है। देखिए और ये वाले धागे को आपको छुपाना है, इस तरह से छुपा सकते हैं आप। आज ये वीडियो सिर्फ बिता होती हूँ, हस्ता धन्यवाद।